ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग सिलेंडर या फिर मोशन ऑफ अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड। तो क्वेश्चन ये है, आपके पास एक सिलेंडर है, वो ना आराम से फ्लोट कर रहा है, ये रहा पानी के लिक्विड के ऊपर, कोई टच नहीं करेगा, ना पानी हिल रहा है ना सिलेंडर हिल रहा है, कोई SHM नहीं है, कुछ नहीं है, तो आर्किमिडीज तो लग सकता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज होल वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा दिस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू एच, ये एरिया है और ये एच है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या है? एरिया इंटू एच, क्योंकि लिक्विड का वेट है तो डेंसिटी किसकी है? लिक्विड की इंटू जी। तो दिस इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। होल वेट में पूरा वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू, ये मार्क करो एल, लेंथ कितनी है एल, लिख लो एल, मेंशन नहीं है इसमें। तो टोटल वॉल्यूम कितना है बॉडी का? एरिया इंटू लेंथ। किसकी किसका वेट है? बॉडी का, तो डेंसिटी किसकी है? बॉडी की इंटू जी। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज होल वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। अभी कोई SHM स्टार्ट नहीं हुआ, सिंपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हमने एक इक्वेशन बनाई है, फ्लोटेशन का प्रिंसिपल है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज होल वेट ऑफ द बॉडी, एरिया और जी कैंसिल हो गया, यहां से एल की वैल्यू साइड पे निकाल के रख लो, बाद में यूज करेंगे इसे। अब शुरू करते हैं SHM। कोई गया, उसने इसको हल्का सा पुश कर दिया, ये अगर ना भी पुश करते तो एच डिस्टेंस तो ऑलरेडी लिक्विड में ये था ही था, एच डिस्टेंस तो ये था, पर आपने जबरदस्ती फोर्स लगा के इसको और पुश कर दिया। कितना पुश किया? बाय अ डिस्टेंस ऑफ वाई पुश कर दिया। अब जितना आप पुश करते हैं उतना ही पानी डिस्प्लेस होता है, और वेट ऑफ पानी डिस्प्लेस ही अप थ्रस्ट होता है। तो अब अप थ्रस्ट बढ़ गया, अप थ्रस्ट तो पहले भी था, मान लो एक मिनट के लिए ये जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है ना, वेट ऑफ लिक्विड यही अप थ्रस्ट है। तो बेसिकली क्या है, ये जो पोर्शन देख रहे हो इसका वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड की जो वैल्यू है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मान लो 10 न्यूटन है, चलो 10, तो अप थ्रस्ट भी कितना है यहाँ पर? 10 न्यूटन है। तो वेट ऑफ द बॉडी भी क्या है? वेट ऑफ बॉडी भी यहाँ पर क्या है? 10 न्यूटन। तभी तो इक्विलिब्रियम है, 10 न्यूटन का वेट है, 10 न्यूटन का अप थ्रस्ट है, बात खत्म हो गई, इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, अब आपने और पुश किया तो जितना लिक्विड पहले था उतना तो अब भी है, तो 10 न्यूटन का अप थ्रस्ट तो अब भी लग रहा है, पर इसको और धक्का मारने से मान लो एक्स्ट्रा 2 न्यूटन और लग गया, क्योंकि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस सेकेंड केस में ज़्यादा हो गया, 10 तो पहले भी था, अब पुश करने से 10 के साथ साथ 2 और ज़्यादा हो गया, वेट तो अभी बॉडी का 10 है ना, वेट थोड़ा चेंज हुआ, तो 10 वाले इसने तो वेट को क्या कर देना है? बैलेंस, ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्लियर हो गई। ये फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स है जो उठा के सिलेंडर को कहां फेंकेगी? ऊपर। तो अप थ्रस्ट, जो एक्स्ट्रा अप थ्रस्ट है, जबरदस्ती प्रोड्यूस किया हुआ अप थ्रस्ट है, यही क्या बनेगी इसमें? रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें क्या बनेगी? 2 न्यूटन बनेगी, जो बॉडी को उठा के कहां फेंकेगी? ऊपर फेंकेगी। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो कोई ये ना सोचे कि टोटल वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड ही अप थ्रस्ट है ना, क्योंकि ये वाला लिक्विड तो ये अप थ्रस्ट तो पहले भी था, इसने तो उठा के बॉडी को ऊपर नहीं फेंका, इसने तो बॉडी के वेट को बैलेंस किया, तो ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन का अप थ्रस्ट है ये तो वेट ऑफ द लिक्विड को बैलेंस करता जा रहा है, पर इसको बैलेंस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसने उठा के सिलेंडर को ऊपर फेंक दिया। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होगी? माइनस। रिस्टोरिंग के लिए टर्म क्या लगेगी? माइनस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय लेंथ वाई ऑफ द बॉडी। तो देख रहे हो वाई लेंथ, ओनली वाई लेंथ, जो जबरदस्ती आपने पुश किया उससे एक्स्ट्रा अप थ्रस्ट जनरेट हुआ, वही उठा के इस बॉडी को ऊपर फेंकेगा। तो आपने ये नहीं बोलना कि टोटल लेंथ जो है अप थ्रस्ट है ना, एल एच डिस्टेंस तो अप थ्रस्ट ने वेट को बैलेंस कर दिया, तो वाई डिस्टेंस ने जो अप थ्रस्ट जनरेट किया, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय लेंथ वाई ऑफ द बॉडी, यही क्या मानी जाएगी? रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये लेंथ समझ में आ रही है कि वाई पोर्शन क्यों कंसिडर किया? भाई जो तुम जबरदस्ती कर रहे हो उसी से वही रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगी और वही बॉडी को ऊपर फेंकेगी। तो वेट ऑफ द लिक्विड निकालने वाई पोर्शन का, तो वाई पोर्शन का वॉल्यूम क्या बनेगा? एरिया इंटू वाई, क्योंकि वेट लिक्विड का है तो डेंसिटी लिक्विड की इंटू जी। तो ये क्या बन गया? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सलेशन।
इस रिस्टोरिंग फोर्स ने किसको उठा के ऊपर फेंका, पूरे सिलेंडर को। सिलेंडर का मास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। क्योंकि मास किसका है, बॉडी का, तो डेंसिटी भी किसकी है, बॉडी की। तो एरिया से एरिया कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ए प्रोपोर्शनल टू वाई विद नेगेटिव साइन, तो प्रूव हो गया है किसमें है, एस एच एम में। अपनी एस एच एम की इक्वेशन लिख ली, कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू आ गई। ओमेगा क्या होता है, 2π/T, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में लेंथ हमने ऑलरेडी इक्वेशन में मन में निकाल रखी है, इस एल की वैल्यू को यहां पे पुट कर लेते हैं, सिग्मा सिग्मा रो रो कैंसिल। तो ये फॉर्मूला नोट करो, टाइम पीरियड ऑफ अ सिलेंडर इज 2π√h/g, वेयर एच का मतलब क्या है, वो पोर्शन ऑफ दी बॉडी जो पानी के अंदर इक्विलिब्रियम में है। तो अगर इक्विलिब्रियम में हाइट एच है बॉडी की पानी में, तो टाइम पीरियड एच पे डिपेंडेंट होगा, टी इज इक्वल टू 2π√h/g। ये फॉर्मूला नोट कर लें। पिछला जो केस था यूट्यूब वाला, उसमें भी सेम फॉर्मूला था h/g, इसमें भी सेम है। तो क्लियर है यहां तक?